हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आपका बच्चा उल्टा है या सीधा है और आप इसका कैसे पता लगाएंगी? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो सीधा है या उल्टा है और इसका आपको पता कैसे लगेगा। जनरली जो बच्चे का पोजीशन होता है उसमें सिर नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर की तरफ होता है। बच्चे का ये पोजीशन इस तरीके से होता है, होता तो बच्चे का सिर नीचे और पैर ऊपर है, उल्टा पोजीशन होता है, बट इसको सीधा बोला जाता है क्योंकि जब डिलीवरी होगी तो इसमें सिर पहले बाहर आता है फिर लेग्स बाहर आते हैं, तो इसको हम लोग सीधा बोलते हैं। तो ये बच्चा सीधा होता है जब हेड नीचे है और बम ऊपर है, लेकिन कई बार बच्चे में रोटेशन की वजह से या और किसी कारण की वजह से सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि बच्चा उल्टा है, यानी कि सर ऊपर चला गया। तो यहाँ पेट में ऊपर की तरफ सर होता है और नीचे पैर होते हैं, तो इसको मेडिकल टर्म में हम लोग ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं, यानी कि ब्रीच होता है पोजीशन। जो सीधा होता है उसको केफेलिक बोला जाता है और जब सर ऊपर होता है उसको ब्रीच पोजीशन बोला जाता है। और जब ब्रीच पोजीशन होता है तो डिलीवरी होने में दिक्कत आता है, इसलिए हमेशा पोजीशन का पता लगाया जाता है कि बच्चा उल्टा है या सीधा है। अब अगर बच्चा उल्टा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि उल्टा है? तो जनरली आपको पेट के ऊपरी हिस्से में एक सॉलिड पार्ट, यानी कि जो बच्चे का सर होता है वो जो सॉलिड होता है, हड्डी वाला पार्ट होता है, वो कई बार हाथ लगाने से फील होता है। कई बार आपको उठने बैठने में समस्या लग सकती है, आपको हो सकता है कि आप भारी भारी लगे, कुछ चुभता हो, कुछ बैठने में दिक्कत आ रही हो और अनकंफर्टेबल लग रहा हो, और कई बार नीचे का हिस्सा खाली खाली लगता है, वजन नहीं लगता है, और ये लगता है कि बच्चा फ्लोटिंग है, इधर उधर घूम रहा है और सही तरीके से पेल्विस के अंदर फिट नहीं होता है, क्योंकि बम का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होने के कारण नीचे पेल्विस में सही तरीके से फिट नहीं हो पाता, तो बच्चा ऊपर फ्लोटिंग रहता है, तैरता रहता है और हिलता रहता है, तो उससे एक मूवमेंट ज़्यादा एक्स्ट्रा फील होती है। तो एक लक्षण है कि बच्चा उल्टा होने का। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा उल्टा है तो आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए तो जाती ही हैं, तो आप डॉक्टर से शेयर कर सकती हैं, और जब भी डॉक्टर को आप इस तरीके से बताती तो डॉक्टर भी चेक करके आपको बता देते कि डॉक्टर को भी ये फील होता है कि ऊपर सिर है या लेग्स है, या तो एग्जामिनेशन से काफ़ी हद तक पता चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं कि 100% कि ये सीधा है या उल्टा है, तो सोनोग्राफी से इसका पता लगाया जाता है। सोनोग्राफी बहुत ही आसान टूल है, हर महीने करवाया जा सकता है। बार बार सोनोग्राफी कराने से कोई नुकसान भी नहीं होता और बच्चे की हेल्थ का हमें पता लगता है। तो जब भी आप सोनोग्राफी करेंगे तो आराम से हमें बच्चे का पोजीशन भी पता लग जाता है कि बच्चे का पैर ऊपर है, सिर ऊपर है, यानी कि केफेलिक पोजीशन है, ब्रीच है, और बच्चे का लेग्स सीधे हैं, टेढ़े हैं, जो भी पोजीशन होती है अच्छे से पता लग जाती है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे सीधा है या उल्टा है, तो उसी के हिसाब से डिलीवरी प्लान की जाती है, क्योंकि जब भी बच्चे का पोजीशन ब्रीच पोजीशन होता है तो नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चेदानी का मुंह पूरा नहीं खुल पाता है और बच्चे के पैर पहले आ जाते हैं, और कई साथ के साथ ही कई बार आंवल नाल भी बाहर आ जाती है और बच्चे को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और बच्चे की धड़कन जाने का खतरा हो जाता है। इसके साथ ही कई बार जब डिलीवरी कराते हैं तो जो बम ए वाला जो नीचे का सॉफ्ट पार्ट है वो तो बाहर आ जाता है, लेकिन हड्डी वाला पार्ट है यानी कि सिर है, वो टाइट होने के कारण कई बार सर अटक जाता है, और ऐसी स्थिति में ना तो सिजेरियन हो पाता है, ना ही डिलीवरी पूरी हो पाती है और बच्चे की जान चली जाती है। और ऐसी स्थिति में बच्चे को बाहर निकालने के लिए बच्चेदानी के मुंह पर कट लगाना पड़ सकता है और डिलीवरी कराने में परेशानी आ सकती है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है या और भी बहुत ज़्यादा जानलेवा खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ना लैंड अप करते हुए अगर हम टाइमली डिसीजन लेते हैं तो ब्रीच डिलीवरी में जनरली सिजेरियन की सलाह दी जाती है, यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी की सलाह दी जाती है, जिससे कि जच्चा और बच्चा को सेफली डिलीवर आउट किया जा सके। क्योंकि अगर बच्चा सही तरीके से बाहर आएगा, माँ को कोई इंजरी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, तो डेफिनेटली जच्चा और बच्चा दोनों ही सेफ रहेंगे। तो पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर बच्चा उल्टा है तो कई बार थोड़े बहुत मैन्योर करने से वो सीधा हो सकता है, यानी कि अगर बच्चे के चारों तरफ पानी अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा अगर उसको मूवमेंट से घुमाया जाए, कुछ एक योगा आसन भी इसमें बताए जाते हैं जिसकी वजह से कि बच्चे को थोड़ा सीधा किया जा सकता है। ये सब चीज़ें इतनी पेटेंट नहीं है कि जिनको कि हम सलाह दें कि ऐसा करने से आपका बच्चा सीधा हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे को किसी प्रकार की कोई रिस्क हो, आपके और आपके बच्चे की जान को कोई खतरा हो। सेफ डिलीवरी ही हमारा उद्देश्य होता है। तो जब भी आपको लगे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, और डॉक्टर की सलाह से ही आप कोई भी एडवाइस को फॉलो कीजिए और उन्हीं के निर्देशानुसार काम करिए, क्योंकि जनरली ब्रीच डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं दी जाती है और सिजेरियन की सलाह दी जाती है, ताकि जच्चा और बच्चा को सेफली डिलीवर आउट किया जा सके। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।